अबू, मेरे प्यारे अबू, आप तो मैं कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैंने अभी आपको कोई सुसर भी नहीं कहा कभी आपको। मैंने कभी जुआई कहा तुम्हें? देखिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके। ये आपकी बेटी। मैं आपका बड़ा अच्छा किया, मुझे याद दिला दिया, ये मेरी बेटी है। देखिए याद दिला दे, मुझे पता ही नहीं चलना था। आपका सारा अजाब मैंने अपने सर लिया हुआ। एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट बनती है। क्या रिक्वेस्ट है सर? हम आपस में दोनों मिलके हम फैमिली व्लॉगिंग करना चाहते हैं। व्लॉगिंग क्या होती है? वो हम कैमरे से वीडियो बनाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं और मेरी बेगम हम लोगों को सारे घर का दिखाएंगे। आज हम ये पका रहे हैं, आज हम यहाँ जा रहे हैं, आज हम ये कर रहे हैं। अच्छा, लोग देखेंगे। लोगों को क्या दिखाना? खाना दिखाना या मेरी तीर दिखानी है? मेरा यूट्यूब चैनल आपको पता है। हाँ। उसमें बड़ी मेहनत से मैं पूरा एक हफ्ता लगा के, मतलब दीवारें बनाई पहले, मैं उस पर वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन व्यूज नहीं आ रहे। अच्छा, आजकल के दौर में व्यूज लेने हैं तो शर्म करोगे? अच्छा, उसके साथ मेरी तेरी शादी की है कि वो तेरे घर के काम देखेगी? देखे घर के काम करेगी, उसने कुछ भी नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, बस मैंने कैमरा ऑन किया। हमारे खानदान में कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं ये इजाजत नहीं दूंगा। बस खत्म, रिश्तेदार बातें करेंगे, मोहल्ले वाले बातें करेंगे, लोग मेरे ऊपर थू थू करेंगे। बेटा मेरी बात सुन जी, मुझे सारी चीजों का पता है। ये जो तो व्लॉगिंग कर रहा है ना, हमारे खानदान में ना औरतों को वी लॉकिंग में रखा जाता है। वी लॉक लगा के फिर अंदर रखा जाता है, पर्दे के बाहर नहीं आने देते। तू वी लॉकिंग कर रहा है। देखिए सुसर जी, जमाना चेंज हो गया, मियां बीवी मिलके कमाते हैं। अरे मैं तेरे सदके जाऊं, उस खानदान का बच्चा ना, मियां बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों मिलके कमाएंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा? और तेरी हड्डियां टूटी हुई है। तुमने हमारे खानदान का नाम नहीं सुना? हमारे खानदान में पर्दे का पता कितना ख्याल रखा जाता था। मेरी वालदा मोहतरमा दूध लेने के लिए जब ऐसे करके हाथ बाहर निकालती थी ना, सिर्फ देश की बाहर जाती थी, दूध वाला दूध डाल के चला जाता था। एक दफा दूध वाला नहीं आया, बाहर से आवाज आई मोटरसाइकिल की, अम्मा ने समझा दूध वाला आ गया, कुत्ता दंदी बट के दौड़ गया और अंगूठी ले गया अम्मा की। वो तो आप इसलिए शक्ल, वो तो मेरे अब्बे ने जाके कहा वापस कर मेरी मंगनी की अंगूठी। वो तो इसलिए शक्ल नहीं दिखाती होंगे, पिछले 3 महीने के पैसे देने थे दूध वाले के। माँ उदाहरण है तेरी। सखी खाला पता क्या करती थी? क्या करती? जो सड़कें नहीं बनती थी, हाँ। उधर वहां जाके अपने बंदे के साथ काम करती थी। अब तू सोच रहा होगा कि उस वक्त के अपना तुम्हारा खालू क्यों नहीं रोकता था? हाँ। उस वक्त कैमरे नहीं होते थे, देखता कोई नहीं था। तेरी खाला ने यूं करके जाके बजरी फेंकनी, यूं करके पीछे किसी ने गाना लगा दिया, पाला प्यार दल पेटा मैंने कुट के। आई एम श्योर उनको मजदूरी के पैसों से गुजारा नहीं होता होगा। नहीं होता था तो इसलिए तो काम करती थी। हम इतने अमीर कैसे थे फिर? हैं? अमीर कौन था हमारा खानदान में? वो तो कोई अल्लाह का बंदा आया, कोई अंडे दे गया, कोई डबल रोटी दे गया, हमारा इस तरह गुजारा होता था। देखे हम हलाल की कमाई, तुम करके बैठ, क्यों बोलता पिया? देखो हम हलाल की कमाई खाना चाहते हैं। हलाल की व्लॉगिंग कैमरा बना के बुढ़ी अपनी बखा के सामने। अब्बा जी ये कहते हैं ये मुझे शॉपिंग करवाएंगे। सारे ऐसे ही कहते हैं कि शॉपिंग करवाऊंगा, जैसे जरा सी शोहरत और पैसा मिलते हैं ना, था करके दूसरी शादी करते हैं। हाँ? नहीं नहीं नहीं, मैं यूट्यूब चैनल तुम्हारे नाम कर दूंगा। देखे मेरी बात सुने, इसकी शक्ल देख के मैंने रिश्ता कर लिया है। हाँ। शक्ल देख के कौन व्यूज देगा, कौन पैसे देगा? मैं तो अपनी मेहनत से लाना चाह रहा हूँ। तेरी उच्ची हड्डी वाली कटिंग देख के तेन कुड़ी दे ही देती है। मैं चाहता हूँ आप अपनी मोहब्बत निछावर करें हम दोनों पर। अच्छा। और हमें इजाजत दें, इंशाल्लाह आपका नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। ना बेटा मेरा नाम रहने दे रोशन, मैं अपना नाम खुद रोशन कर लूंगा। मैं अपना नाम लेके ना थले मोमबत्ती बाल दूंगा, मेरा नाम रोशन हो जाएगा। तुमने तो कहा था मान जाएंगे। ले मान जाएंगे, क्यों मान जाएंगे? आप मनाए ना, हमें तो सारी जिंदगी झिड़की और डांटे पड़ती रही है। बताओ इनको, बताओ क्या करना है हमने? कुछ भी नहीं, बस घर के काम दिखाने यार। हाँ घर के काम दिखाने, मैंने देखा है जो घरों के काम दिखाते हैं, खुद नीचे खड़े होते कह रहे थे देखे मेरी बीवी जाले उतार रही, और बीवी यूं यूं करके जाले उतार रही होती है। ये कौन से जाले उतरते हैं? अब्बा जी इसको रहने, मैं कहता हूँ आ मेरे व्लॉग में आ जा। नहीं तो मैनू तो चैनल बनाना नहीं आता, मैं तो टुंडा ना। नहीं मेरी बात, मतलब मैनू कहना नहीं आता कि सब्सक्राइब करें। स्किल्स आपके अच्छे हैं ज्यादा, कुछ सीखो। क्या सीखूं ठुमके? हाँ कुछ तो अच्छी चीज लेके आती ना जहेज में, कुछ तो विरासत में मिलता ना तुम्हें। हाँ। कुछ तो जींस में तुम्हारे होता ना, जो उनकी जींस में है ना वो तुम्हारी जींस में है। हाँ, हाँ, ताकि तुम अपने खानदान को बताते ये बच्ची पखा लेके आई, ये एसी लेके आई, ये गड्डी लेके आई और ये 6 स्टेप लेके आई। मैं आपको ना असल बात बताता हूँ। हाँ। अब मेरे व्यूज और मेरे डॉलर्स आपके हाथ में। अच्छा, जो मैं नहीं देता।
नहीं 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 आपको देने पड़ेंगे, मेरी बात सुने। अगर आप मुझे इजाजत दे दें, मैं आपको वादा करता हूँ कि महीने के 20,000 आपको कमा के दिखाऊं। मैं लानत भेजता हूँ इस 20,000 पे, तेरे शर्म का काटा 20,000 पे, 20,000 की खतर को तू समझता मेरे मुंह में पानी आ जाएगा। 20,000 डॉलर, 20,000 कुछ 70-80 लाख रुपए बनता है महीने का पाकिस्तानी, 20,000 डॉलर इन्हें आ जाए करने के पक्का? नहीं, कुछ लोग कहते ना कि गल्ला ही बनी जाने। प्रूफ है, प्रूफ। तेनू खुदा की कसम लगे। अल्लाह देख। पक्का? इन्हें पैसे आंदे ने? हम दोनों को जाते। पुत्र पता की मैं कोई एडा सख्त नहीं है जिड्डा मैंने समझ लिया है तुसी। अच्छा। हाँ, पता है बात क्या है, इस तरह की लोग तो बातें करते रहते हैं। जरका फिल्म देखी तूने? नहीं। जरका फिल्म देखना, वो अपना शान साहब के अब्बा की फिल्म थी। अच्छा। और जब उसको लड़की को सिगरेट लगाते ना, वो कहते अल्लाह, वो हमारी खाला थी। माशाल्लाह, बड़ी अल्लाह लोग थी। बड़ी अल्लाह लोग थी, सिगरेट लगता था अल्लाह का नाम लेती थी। क्या बात है? बड़े पैसे मिले थे उस वक्त भी। तो इसका मतलब है कि मैं आपकी अब्बा जी। और चल मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, हर कामयाब बंदे के पीछे उसके सौरे का हाथ होता है। चल शाबाश, और चुप के रखो काम तुसी, बनाओ जरा व्लॉग बनाना है पुत्र। ओए देखिए, हां पुत्र बंदे दा साथ दे दंदा, औरतां ही वफाशवार हुंदियां जिहड़ियां औरतां बंदियां दे पीछे खलोतियां होण, बल्कि तू अग्गे खलो। ठीक है, अब हमारा छोई करके कवे हमारा फाइनेंशियल मसला हल हो जाएगा, हमें इनके टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। पुत्र चेक मेनू बखाना है हर बारी, एक डॉलर भी घट आया ना तेरी मैं शेव होर ऊंची कर देंगे। जी लाइन जी लंघती पई है ना, इतने मैं होर टोया गहरा कर देना। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ। अब हमारा छोई करके कवे हमारा फाइनेंशियल मसला हल हो जाएगा, हमें इनके टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। उत्तर चेक मेनू बखाना है हर बारी, एक डॉलर भी घट आया ना तेरी मैं शेव होर ऊंची कर देंगे। यह जी लाइन जी लंघती पई है ना, इतने मैं होर टोया गहरा कर देना। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अब हमारा छोई करके कवे हमारा फाइनेंशियल मसला हल हो जाएगा, हमें इनके टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। उत्तर चेक मेनू बखाना है हर बारी, एक डॉलर भी घट आया ना तेरी मैं शेव होर ऊंची कर देंगे। यह जी लाइन जी लंघती पई है ना, इतने मैं होर टोया गहरा कर देना। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे से। अब हमारा छोई करके कवे हमारा फाइनेंशियल मसला हल हो जाएगा, हमें इनके टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। उत्तर चेक मेनू बखाना है हर बारी, एक डॉलर भी घट आया ना तेरी मैं शेव होर ऊंची कर देंगे। यह जी लाइन जी लंघती पई है ना, इतने मैं होर टोया गहरा कर देना। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ। अब हमारा छोई करके कवे हमारा फाइनेंशियल मसला हल हो जाएगा, हमें इनके टुकड़ों पे पलने की जरूरत नहीं है। उत्तर चेक मेनू बखाना है हर बारी, एक डॉलर भी घट आया ना तेरी मैं शेव होर ऊंची कर देंगे। यह जी लाइन जी लंघती पई है ना, इतने मैं होर टोया गहरा कर देना। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ।